हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और तो आज है शीतलाष्टमी, और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था मैं शीतलाष्टमी की पूजा करूँगी नेक्स्ट डे। तो अभी सुबह सुबह हम पूजा कर लेते हैं, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, तो चलते हैं किचन में और पूजा करते हैं। तो मटकी मैं कल लेके आ चुकी थी, पानी मैंने भर दिया है, तो उसी की पूजा हमारे यहाँ होती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरी मटकी रेडी हो चुकी है, ये मैंने माता जी को बिठा दिया है, और ये थाली मैंने रेडी की है शीतलाष्टमी के लिए, जो भी मैंने रात को बनाया था वो मैंने सब इसमें डाल दिया है। तो ये मैंने मूंग भी भिगो दिए थे, ये दही, ये पंजीरी टाइप है, ये बनाते हैं, ये वो खाजे, शक्करपारे, राबड़ी और दूध, और ये 8 रोटी मैंने माता जी के लिए बनाई थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. तो मेरी पूजा तो हो चुकी है, पूजा बहुत छोटी सी होती है तो बहुत जल्दी से पूजा हो गई है। तो अब आज से हम मटकी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इसीलिए होता है ताकि आप समर सीज़न आ गया तो आप मटकी अपने घर में स्थापित कर दो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज से हम मटकी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो कल रात को मैंने इतना सारा खाना बनाया था कि मेरी तो हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि अकेले बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ें क्या सब साथ में बनाते हैं ना तो मज़े भी आते हैं और इजीली भी बन जाती है। तो मेरे लिए वो अकेले बनाना थोड़ा टफ टास्क हो जाता है, तो चलो फिर भी कोई ना बन गया। और अब आज का स्केड्यूल हमारा क्या रहेगा कि आज खाना तो बनाना नहीं है, सबसे बेस्ट चीज़ ये खाना नहीं बनाना, आज पूरे दिन वही खाना खाना है। और झाड़ू पोछे में भी बोलते हैं कि झाड़ू पोछे नहीं करते हैं, लेकिन झाड़ू तो निकालेंगे क्योंकि घर सच में गंदा हो जाता है। कल खाना वगैरह बनाया तो उस वजह से घर की तो बैंड बजी पड़ी है, तो झाड़ू मैं निकालूंगी। बाकी और हम क्या करेंगे पूरे दिन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो मैंने ये अमेजन से कुछ चीज़ मंगवाई थी, तो देखते हैं क्या मंगवाया था मैंने। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि अब देखना आप। तो मैंने ये ग्रीन गार्डन शेड मंगवाया था, एक तो गार्डन के लिए और एक ओटीएस के लिए, क्योंकि ओटीएस अभी हमारे सिर्फ वो जालियाँ लगी हुई है तो उसकी वजह से चिड़िया और ये आ जाते, मिट्टी भी बहुत आती है। तो एक बार के लिए हमने सोचा ये मंगवा के उसको लगा देंगे, ताकि ना तो चिड़िया आएंगी ना और मिट्टी भी कम ही आएगी। तो गार्डन में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, धूप बहुत पड़ती है, तो पौधे जलने के बहुत ज़्यादा डर है। तो अभी से हम पहले से लगा के रख देते, ताकि सेफ्टी रहे प्लांट्स के लिए भी और इधर भी हमारी भी। वेदु क्या कर रही है बेटा, क्या करो आप? तो अब मैं और वेदु क्या खाएंगे? दही बड़े। वेदु क्या खाएगा? दही बड़े खाएगा। ये देखो, ये दही बड़े बनाए हैं जया ने, चलो टेस्ट करते हैं। ये लो, अच्छे से खाओ। कैसा है? खाओ उसको। ये तो यम्मी यम्मी है, यम्मी है ना? बहुत अच्छा बनाया जाए। लो खिला रही हूँ मैं, खिला रही हूँ। अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ। मामा नहीं, मामा। लो।
तो हाय गाइस, कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी तो मैं आज से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मेरा है दशा माता का फास्ट और अभी मैं कथा करने जा रही हूँ। मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो पहले तो मैं ससुराल में करती थी लेकिन आज अभी मैं ससुराल में नहीं हूँ तो मैं यहीं कर रही हूँ और अभी कोई साथ में भी नहीं है। तो अभी हम कथा करेंगे, यूट्यूब से देख के मैं कथा सुन लूँगी। बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है तो इसीलिए मैंने ये बेस वेस पहना है सिंपल सा। तो अभी कथा करते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो ये मैंने सिंपल सा सूट पहना है, कुछ नहीं है, ये लहरिया पहना मेरे पास से मैच करता, कुछ ओढ़ना था नहीं तो मैंने सोचा पहन ले तभी क्या दिखता है। तो ये सूट जो मैं अभी पहन रही हूँ सिर्फ कथा तक पहन रही हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर लूंगी। तो मैंने अपना मंदिर अभी टेम्प्ररी यहीं सेट कर रखा है क्योंकि वो मंदिर उधर बनना लेकिन अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है। तो मैंने नीचे बिछा के यहाँ पे मैं दशा माता का करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बना लेती हूँ साठा। दस कुमकुम की बिंदी, दस मेहंदी की, ये हो गई है। ये मैं फूल चढ़ा दूंगी। ये मैंने ले लिए हैं थोड़ी से गेहूं और ये चूरमा बनाया मैंने प्रसाद के लिए। पहले मैं दिया कर देती हूँ। अब तिलक कर देंगे हम। दशा माता का फोटो नहीं मेरे पास, ले इससे काम चल जाएगा। सबके जो भी चीजें हैं सबके करने हैं। अब मौली चढ़ाने। मौली के लिए मैं मेहंदी से कर लेती हूँ, ऐसे तो चिपकेगी नहीं है। गणेश जी की भी कर देते हैं। प्रसाद पहले गणेश जी के, दशा माता के। मैं थोड़े से आंखें ले लूंगी। आंखें मैंने ले ली है। अब मैं करूंगी कथा। तो पहले गणेश जी की कथा सुनेंगे, उसके बाद दशा माता की। तो गाइस, मेरी कथा हो चुकी है। तो अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, खाना खाऊंगी, लाइक व्रत खोलूंगी और उसके बाद देखते हैं और क्या करते हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी। हालांकि इतना कुछ खास तो प्लान नहीं है, बट देखो। और दूसरी चीज वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। सो हेलो गाइस, अभी हो गई है शाम और शाम का मतलब चाय का टाइम हो गया। चाय के साथ मैं ले रही हूँ क्या, रीड कर रही हूँ ये बुक। और ये बुक है रुजुता दिवेकर की 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट। ये मैंने रिसेंटली बाय की है। इनकी पहले प्रेगनेंसी और पीसीडी वाली बुक्स भी मैंने ली थी, मैंने रीड की थी, बहुत अच्छी बुक थी। अरे यार ये वेदू ना, वेदू प्लीज। तो अब मैंने ये ली है थोड़ी सी, मैंने अभी रीड के स्टार्ट किए। मैं पूरा करने के बाद आपको इसका फीडबैक जरूर दूंगी। अभी तक तो मुझे काफी अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजों को कवर किया है कि छोटी छोटी चीजें हम चेंज लाके कैसे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी बुक ज्यादा आप रिलेट कर पाते हो ना, कोई फैंसी है, बिल्कुल नॉर्मल बुक है। तो
तो मैं ये रीड करने के बाद आपको जरूर इसका फीडबैक दूंगी। और अभी मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। तो अभी हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं और साथ में एक डिस्कशन भी करना है हमें, क्योंकि कल है आदिभना का बर्थडे और हम कुछ प्लान कर रहे हैं। तो क्या प्लान कर रहे हैं वो जाए बताइए। जाए बताओ बताओ। एक तो केक आ जाएगा और एक केक मैं घर पे बना रही हूँ सिंपल सा, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेंगे। और मैं सोच रही एक पिज्ज़ा भी बना लेते, पिज्ज़ा बेस मंगा के, पिज्ज़ा पार्टी हो जाएगी। मतलब पहले मैंने सोचा था बेस बनाने का, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें, तो वो कभी और बनाऊंगी। लेकिन अभी क्विक पिज्ज़ा के लिए बेस मंगा लेंगे और टॉपिंग्स वगैरह जो भी सॉस वगैरह वो ले आते हैं, तो शॉर्ट में जो पिज़्ज़ा बन जाए वो वाला बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, पिज़्ज़ा हो जाएगा, केक हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मंगा लेंगे। और जो भी हम कुछ करेंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा हम, हाँ कोल्ड कॉफ़ी बना लेंगे, तो कैसा रहता है हमारा आगे का जो भी प्लानिंग्स हैं, कितनी हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक है, मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे। सो थैंक यू सो मच, बाय।